हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आई हूँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। आज मैं बात करूंगी वीडियो से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। NPCIL की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। ऑलरेडी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गई है, 6 अप्रैल से शुरू हो गई थी और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 अप्रैल होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे 500 है और ये नॉन रिफंडेबल होगा, जिसे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, बीटेक विद 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पर 79,000 आपकी पे स्केल हो सकती है और अलाउंसेस भी आपकी सैलरी में एड ऑन होंगी। एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स तक की रखी गई है। नोटिफिकेशन पर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज के लिंक अवेलेबल है एंड यूज प्रोमो कोड सैकड़ का 10 टू फ्लैट 10% डिस्काउंट। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 50 है। मैकेनिकल में आपकी टोटल पोस्ट 28 है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 10 है, सिविल वालों के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट आई है, टोटल आपकी 50 बनती है। यहाँ पे एज लिमिट 40 ईयर्स तक की दे रखी है। नाउ कमिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे 4 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मैकेनिकल में अगर आपने इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम किया है, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्री आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, पावर सेक्टर भी हो सकता है, हैवी इंडस्ट्री या फिर ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसी इंडस्ट्री है। और सिविल की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हैवी इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप इनमें से कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया है तो आप इस एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, लेकिन आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। नाउ कमिंग टू पे स्केल, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की पे स्केल कम से कम 79,000 दे रखी है और यहाँ पे आपकी अलाउंसेस भी एड ऑन होंगे। यहाँ पे अलाउंसेस भी दिया गया है, कौन कौन से अलाउंसेस आपकी आपको मिल सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और साइट लोकेशन अलाउंसेस और प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट भी दिया गया है कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकता है आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर, लोन्स एडवांसेस भी है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मेंशन किया गया है। नाउ कमिंग टू रिलैक्सेशन, यहाँ पे एससी आपकी एससी कैटेगरी के लिए अगर बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस है तो 3 ईयर्स का मिलेगा। यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन करी गई है, महाराष्ट्र हो सकता है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसी प्लेस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70% रखा है और रिजर्व वालों के लिए 60% तक के रखा गया है। रिटन ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा 300 मार्क्स का, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, टू बी अटेम्प्टेड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, 1 मार्क्स नेगेटिव होंगे और आपके करेक्ट मार्क्स आपको 3 मार्क्स एड ऑन कराएंगे। नाउ कमिंग टू टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल में क्या दिया गया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद इक्वल इंटरव्यू मार्क्स, कैंडिडेट्स स्कोरिंग हाई मार्क्स इन रिटन ऑनलाइन टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर, wherever written online test is not held on both interview marks as well as written online test scores are equal, candidate senior in age will be ranked higher. अगर आपके interview में equal marks हैं तो आपके written test से basis पर आपकी rank decide होगी। अगर आपके written में भी similar marks हैं तो आपकी age के according आपकी rank decide होगी। अगर आपकी age भी equal है तो आप जिसने भी जिस कैंडिडेट्स ने भी अगर बीटेक पहले कंप्लीट किया है तो उस बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो ये आपका टाइप ब्रेकिंग प्रिंसिपल में ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेगा फॉर अपीयरिंग पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके होंगे।
यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी में भी आपके पर्सनल इंटरव्यू आपका हो सकता है। कैसे अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या अपडेट्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी ये भी आप उस साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने मेंशन कर ही दिया है, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट 20 अप्रैल होगी। पेमेंट आप इन डेट्स में किसी में भी आप कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पे जनरल कंडीशंस भी दी गई हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जनरल कंडीशंस भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट अस में दिया गया है, आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये आप क्वेरी इसकी 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ही आपकी क्वेरी या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे सारे टेस्ट सीरीज के लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। एंड यूज प्रोमो कोड चाकर10 फॉर फ्लैट 10% डिस्काउंट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।